पुराने समय की बात है। एक छोटी से गांव में एक लकड़हारा रामनाथ अपनी पत्नी के साथ रहता था। रामनाथ गांव के पास वाले जंगल से लकड़ियां काटकर लाता और उन्हें बेचा करता था। रामनाथ अपने काम से बहुत खुश था क्योंकि वो उसका पुश्तैनी काम था। कुछ समय बाद उसके घर पर दो जुड़वा बच्चों का जन्म होता है। सुषमा, कितने प्यारे बच्चे हैं। भगवान ने हमारे ऊपर कितनी बड़ी कृपा की है। हाँ जी, बहुत प्यारे हैं। दोनों की शक्ल चिकनी मिलती है, अंतर करना मुश्किल है। सही कह रही हो तुम। कुछ नाम सोचा है तुमने इनका? दोनों कितने गोल बटोन हैं। एक का नाम गोयू और दूसरे का मोलू कैसा रहेगा? अच्छा नाम है, मेरे गोलू मोलू। एक रात उसके घर एक चोर घुसाता है। चोर को घर में चुराने लायक कोई सामान नहीं मिलता। इसके घर में तो कोई ठीक सामान ही नहीं है जिसे मैं बेचकर पैसे कमा सकूं। कबाड़ ही भरा पड़ा है। फिर चोर की नजर दोनों बच्चों पर पड़ जाती है। सुबह जब रामनाथ और उसकी पत्नी की नींव खुलती है तो अपने बच्चे को ना पाकर दोनों बहुत परेशान हो जाते हैं और घर के बाहर निकलकर उसे ढूंढने लगते हैं। भाई, तुमने मेरे बच्चे को वही देखा है क्या? नहीं भाई, इतना छोटा बच्चा कहाँ चला दिया? मुझे भी लगता है कोई जानवर इसके बच्चे को उखा ले गया है। रामनाथ की पत्नी का रो रो कर बुरा हाल हो जाता है। कहाँ होगा मेरा बच्चा, इस हालत में होगा। दूसरी तरफ चोर को पता चलता है कि पास वाले गांव में नी जनिंदाई की कोई संतान नहीं है और वो बच्चे को गोद लेने का मन बना रहा है। चोर तुरंत बच्चे को लेकर जमींदार के घर चला जाता है। तुम इस बच्चे को मुझे क्यों देना चाहते हो? साहब, मैं इसको नहीं पाल पाऊंगा। मेरी इतनी आमदनी नहीं है इसे अच्छे से पाल पाऊं। मैं इसे कचरे में डालने वाला था, फिर आपके बारे में सुना कि आपको बच्चा गोद देना है, इसलिए मैं इसे यहाँ ले आया। चोर जमींदार को बच्चा देकर चला जाता है। दूसरी तरफ रामनाथ और उसकी पत्नी ये मान लेते हैं कि उनके बच्चे को कोई जानवर उठा ले गया है। वो दोनों ये सोच कर कि भगवान को शायद यही मंजूर था, अपनी आगे की जिंदगी अपने एक बच्चे के सहारे जीने लगते हैं। समय बीतता जाता है और रामनाथ का बेटा गोलू जवान हो जाता है। बेटा, अब मैं बूढ़ा हो गया हूँ, मुझसे अब पेड़ की कटाई नहीं हो पा रही है। ये हमारा पुश्तैनी काम है, तुम्हें भी अब लकड़ियां काटने जाना होगा। घर की जिम्मेदारी अब तुम्हें संभालनी है। ठीक है पिताजी, मैं आज से ही लकड़ियां काटने जाता हूँ। ऐसा कहकर गोलू जंगल चला जाता है। गोलू पेड़ काटने ही वाला होता है तभी उसे पेड़ पर एक चिड़िया का घोंसला दिखता है। गोलू के मन में दया आ जाती है। वो सोचता है, इस पेड़ को मैं नहीं काट सकता, चिड़िया को बेघर नहीं कर सकता। ऐसे ही सारे पेड़ों पर
किसे लाइक किसी चिड़िया का अगर हो सकता है। ऐसा सोच गोलू वापस घर चला जाता है। अरे वाह बेटा, तू इतना जल्दी आ गया। मैं भी अपने जवानी के दिनों में जल्दी पेड़ काट लिया करता था। नहीं पिताजी, मैं जिस पेड़ को काटने का सोच रहा था उस पेड़ पर चिड़िया का घोंसला बना हुआ था, इसलिए मैंने नहीं काटा पेड़। रामनाथ को अपने बेटे की बात सुनकर गुस्सा आ जाता है। ऐसा कैसे चलेगा? तुम अब बिना पेड़ के ऊपर देखे पेड़ काटना। अगर तुम पेड़ नहीं काटोगे तो काम कैसे चलेगा? गोलू फिर से जंगल जाता है। इस पेड़ की जड़ से तो कितनी सारी जड़ी बूटियां बनती हैं। मैं नहीं काट सकता इस पेड़ को। गोलू फिर से घर खाली हाथ आ जाता है। तू फिर से खाली हाथ आ गया? मुझे नहीं पता था मेरा बेटा इतना ज्यादा कमजोर है, नए नए बहाने बना रहा है। नहीं पिताजी, मैं सच बोल रहा हूँ। पेड़ों की जड़ों से कितनी सारी दवाएं बनती है, मैं नहीं काट सकता इनको। अगर अब तूने पेड़ काटकर कुछ पैसे नहीं लाए तो मैं तुझे घर से बाहर निकाल दूंगा। गोलू फिर जाता है जंगल। ये कितना बूढ़ा पेड़ लगता है। इतने सालों से थके हुए राहगीरों को छाया दी होगी इसने। मैं इतना निर्दय नहीं बन सकता। गोलू फिर से घर खाली हाथ आ जाता है। मुझसे पेड़ काटने का काम नहीं हो पाएगा। निकल जा घर से। अब जब तक कुछ अपने लिए काम को नहीं ढूंढ लेता वापस मत आना। गोलू घर से निकल जाता है। चलते चलते गोलू बहुत दूर निकल जाता है। थकान होने के कारण गोलू रास्ते में बेहोश हो जाता है। रास्ते में जाता हुआ दूसरे गांव का एक आदमी गोलू को देखता है। उसे लगता है वो जमींदार का बेटा है। वो उसे लेकर जमींदार के घर ले जाता है। जब गोलू को होश आता है, बेटा तुम्हारी हालत ऐसे कैसे हो गई? तुम तो अपनी दोस्त से मिलने गए थे। मैं आपका बेटा नहीं हूँ, मैं तो पास वाले गांव के एक नकड़हारे का बेटा हूँ। कुछ देर सोचने के बाद, तुम्हारा कोई जुड़वा भाई था? हाँ साहब, पिताजी ने बताया था मेरा एक जुड़वा भाई था जो जन्म के कुछ दिन बाद ही गायब हो गया था। जमींदार को पूरी कहानी समझ आ जाती है। वो गोलू से उसके माता पिता को यहाँ ले आने के लिए कहता है। गोलू जाकर अपने माता पिता को पूरी कहानी बताकर जमींदार के घर ले आता है। आप लोगों का खोया बेटा मेरे पास है। एक आदमी ने मुझे उसे दिया था अपना बच्चा बताकर। उसके बदले मैंने उसे धन दिया था। मेरी कोई संतान नहीं है। आपका बेटा ही अब हमारी जिंदगी है। इससे दूर नहीं रह पाएंगे अब हम लोग। ऐसा कहकर जमींदार दुखी हो जाता है। मैं समझ सकता हूँ बेटे से दूर रहने का दर्द। हम आकर कभी कभी मिल लिया करेंगे इससे। हमारा मोलू अब उस पुराने से घर में गरीबी में नहीं रह पाएगा। अब ये आपका ही बेटा है। ठीक है। जमींदार गोलू को अपने यहाँ कान पे रख लेता है। रामनाथ गोलू को कान मिलने से खुश हो जाता है।